हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग जगन्नाथ जी की कृपा से सब अच्छे होंगे। हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हमारे प्यारा सा चैनल ब्लूम टू एक्सप्लोर में हार्दिक स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल कवर द हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ अरुणाचलेश्वर टेम्पल, how to reach there, food facility, parking facility, temple time and many more. Hello everyone, welcome to back our channel Bloom to Explore. आज हम जा रहे हैं तमिलनाडु का सबसे ब्यूटीफुल मंदिर। कहाँ जा रहे हैं हम बाद में बोलेंगे। देखिए नेचर कितना पीछे कितना ब्यूटीफुल है। आम का बगीचा भी है, आप देखिए। हिल भी बहुत सुंदर है, आज धूप भी बहुत अच्छा है, बहुत सबसे अच्छा आज मौसम है। सो देखने चले कौन सा मंदिर हम जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। हम मॉर्निंग 6 o'clock निकल गए थे और जगह जगह कंस्ट्रक्शन भी था और हसूर रोड में बहुत ही भीड़ था। तो आप ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सके निकले और जो ट्रैफिक को थोड़ा सा आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। तिरुवनमलाई इज वेल कनेक्टेड विथ रेगुलर बस सर्विसेज फ्रॉम चेन्नई, बैंगलोर एंड पॉन्डिचेरी। बाय ट्रेन तिरुवनमलाई रेलवे स्टेशन इज कनेक्टेड टू मेजर सिटीज। बाय एयर नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर इन चेन्नई एंड बैंगलोर। बैंगलोर से अराउंड आपको 90 किलोमीटर के अंदर बहुत सारा ब्रेकफास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और कृष्णागिरी के बाद आपको ब्रेकफास्ट का ऑप्शन ना मिलने से बराबर है आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप ब्रेकफास्ट और लंच जो भी प्लान कर रहे हैं तो कृष्णागिरी के बाद आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप कृष्णागिरी के अंदर ही आप कीजिएगा। हम साई आनंद भवन में ब्रेकफास्ट किए थे और इसका ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा था और चाय भी बहुत अच्छा हमें लगा था। आप यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वीकेंड्स में बहुत भीड़ हो जाता है तो आप ट्राई कीजिएगा अदर डे में आने के लिए। टेम्पल टाइमिंग है 5:30 AM टू 12:30 PM एंड 3:30 PM टू 9:30 PM डेली। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अभी हम हमारा होटल सिबा रेजिडेंसी में पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप बेड देखिए, बेड भी दिया गया है और एसी। यहाँ पर रूम कॉस्ट 2000 है पर नाइट। वॉशरूम मंदिर से अराउंड 3 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। और इस होटल के आसपास भी बहुत सारा शॉप भी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, छोटा बड़ा चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरा हिल के पास ही हम होटल में रुके हैं, ब्यूटीफुल नज़ारा है।
आज मौसम लेकिन खराब बता रहा था कि बारिश होना है, लेकिन वेदर बहुत अच्छा है। आप सब लोग जानते होंगे अभी श्रावण महीना चल रहा है और आज संक्रांति भी है, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। आज मैं इस जगह पहुँच गई हूँ प्रभु जी का दर्शन करने के लिए, और यहाँ पर 9 लिंग और भी है तो आपको हम दिखाएंगे। मंदिर में पहुंच गए हैं, हमारे साथ तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु के प्राचीन अरुणाचलेश्वर मंदिर की यात्रा पर चलिए। ये भव्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पंचभूत स्थलों में से एक है जो अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। पवित्र अरुणाचल पहाड़ी के आधार पर स्थित ये मंदिर आध्यात्मिक अनुभवों की तलाश करने वालों के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान है। मंदिर के चार गोपुरम में आप प्रवेश कर सकते हैं, जो है भल्ला महाराज गोपुरम, किल्ली गोपुरम, अमानी अम्मन गोपुरम और लास्ट वन है राजा गोपुरम। हम राजा गोपुरम के माध्यम से एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर मंदिर के बाहर ही आपको पूजा सामग्री आदि मिल जाएगा और शू स्टैंड भी आपको मिल जाएगा, और आप दिया यदि जलाने के लिए बाहर आपको जलाना पड़ेगा। मंदिर के भीतर आपको वीडियो एंड फोटोग्राफी अलाउ नहीं करते। सिबोइज और सिप एज अन्नामलायर एंड इज रिप्रेजेंट बाय द लिंगम विथ हिज आइडियल रेफर टू एज अग्निलिंगम। मंदिर में कोई अलंकृत विशेषताओं जोड़ी जिनमें 11 स्तरीय राजा गोपुरम भी शामिल है। एक गोपुरम 66 मीटर ऊंचा है और भारत के सबसे ऊंचे मंदिर टावर में से एक है। माना जाता है कि इस मंदिर की उत्पत्ति तमिल संगम काल लगभग 2000 वर्ष पहले की है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन तमिल साहित्यों में किया गया है। विशेष रूप से तमिल शैव संतों जिन्होंने भगवान शिव की स्तुति में भजन रचे। विजयनगर साम्राज्य के दौरान इस मंदिर का और अधिक विकास हुआ। विजयनगर के शासक जो अपनी भव्य मंदिर वास्तुकला के लिए जाने जाते थे। इस मंदिर के चारों ओर आपको एक लिंगम देखने के लिए मिलेगा, जो है इंद्रलिंगम जो ईस्ट डायरेक्शन में है, अग्नि लिंगम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यमलिंगम साउथ, निरुत्थ लिंगम साउथ ईस्ट वेस्ट में है एंड वरुणा लिंगम वेस्ट में है, वायु लिंगम नॉर्थ वेस्ट में है, कुबेर लिंगम नॉर्थ में है एंड ऐसन्य लिंगम नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप यदि टेंपल के आने के बारे में सोच रहे हैं तो मॉर्निंग में आप दर्शन के लिए जाइएगा, क्योंकि हम दोपहर में गए थे, बहुत ही गर्मी था और भीड़ भी ज़्यादा था। इस एरिया में आपको ओला उबर का फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ऑटो से ही आपको जाना पड़ेगा, तो आपको बार्गेनिंग थोड़ा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत हाई प्राइस पहले बोलते हैं। तो आप जहाँ भी जाइएगा तो बार्गेनिंग करके ही जाइएगा। होटल के एंट्री एरिया में ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा। अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन यहाँ पर वेज नॉन वेज बहुत ऑप्शन है। जो प्योर वेज है उनके लिए 200 मीटर दूर ही ए टू बी रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हैं। हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब ए टू बी रेस्टोरेंट में ही किए, वहाँ पर प्राइस वाइज क्वालिटी वाइज खाना बहुत अच्छा था। आपको हमारा ये वीडियो
अच्छा लग रहा है तो प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिए। इसके साथ हम ब्लॉग को एंड करते हैं।